मोदी ने इंदौर बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम से जुड़े। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जब हम पढ़ते थे तो इंदौर के नाम के साथ देवी अहिल्याबाई होलकर को याद किया करते थे। आज भी इंदौर ने देवी अहिल्या की प्रेरणा को नहीं खोया है। इंदौर वाले सिर्फ सेवा का शौकीन ही नहीं करते हैं बल्कि उन्हें सेवा करना भी आता है। प्रधानमंत्री ने सीएनजी प्लांट के लिए इंदौर वासियों और सीएम शिवराज की टीम और पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन और सांसद लाल वानी को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इंदौर की प्रशंसा के साथ वाराणसी की प्रशंसा की और कहा कि वहां पर देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा भी रखी गई है। इंदौर वाले वहां जाएंगे तो अहिल्या प्रतिमा के दर्शन करेंगे। इंदौर के कचरे पशुधन से गोबर धन और इससे स्वच्छता धन फिर ऊर्जा धन बन पाएगा। देश के अन्य शहरों और गांवों में भी इस तरह के प्लांट बन रहे हैं। इससे पशुपालकों को गोबर से आय हो रही है। तो यहां आपको बताएं कि जिस तरह से प्लांट यहां पर लगाया गया है ऐसे में पीएम ने इंदौर को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इंदौर का नाम जैसे ही मन में आता है तो स्वच्छता याद आ जाती है। बायो सीएनजी प्लांट का यहां उन्होंने लोकार्पण किया है। तो बायो सीएनजी की क्या खास बातें वो बता देते हैं। इंदौर शहर को ये सौगात मिलने जा रही है और एशिया का ये सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है। तो क्या कुछ खास है इस बायो सीएनजी प्लांट में वो बता रहे हैं। देश का पहला 550 टन क्षमता वाला ये प्लांट रहने वाला है। इसका लोकार्पण हो चुका है। आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में ये अहम पहल की गई है। तो क्या कुछ खास बातें बता रहे हैं आपको। पीएम मोदी ने वर्चुअली लोकार्पण किया है इसका और वर्चुअली माध्यम से ही सीएम भी शामिल हुए। तो खास बातें बायो सीएनजी की वो आपको बता रहे हैं। 15 एकड़ में ये बायो सीएनजी प्लांट लगाया जाएगा और ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसके साथ ही देव बुराड़िया के ट्रेचिंग ग्राउंड में प्लांट लगाया जाएगा। 550 टन वेस्ट से 19,000 किलोग्राम बायो सीएनजी तैयार होगी। ये सीएनजी खराब खाना हरी पत्ती फूल फलों सब्जियों के वेस्ट से तैयार की जाएगी। केमिकल मशीनरी कर्मचारियों रखरखाव के साथ अन्य मामलों पर होने वाला खर्च भी इससे बच पाएगा। गीले कचरे पर होने वाला जो खर्च है वो भी इसके बाद से बचेगा। वहीं गीले कचरे से हर दिन 17,500 किलोग्राम बायो सीएनजी बन पाएगी जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 150 करोड़ रुपए में सीपीपी मॉडल को तैयार किया गया है क्योंकि बहुत ही ज्यादा चलन में आ चुका है इसका। गवर्नमेंट इस्तेमाल कर दिया है। एयर क्वालिटी में भी काफी सुधार होगा। जो मंत्र है प्रधानमंत्री जी का उस पर भी मध्य प्रदेश पूरी गंभीरता से अमल करने का प्रयत्न कर रहा है और उसका एक उत्तम उदाहरण आज का गोवर्धन सीएनजी बायो प्लांट है। मैं इंदौर को धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। इंदौर सचमुच में अद्भुत शहर है। अभी कुछ विशेषताएं सम्मानी हरदीप पुरी जी बता रहे थे। महामहिम राज्यपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण हैं, विधायक साथीगण हैं, शंकर ललवानी जी सांसद जी भी हैं। अभी हमें बता रहे थे इंदौर की विशेषता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जो 6 प्रकार के कचरे को 100% अलग अलग करता है। इंदौर विनफ्री लिटर फ्री डस्ट फ्री शहर के रूप में पूरे देश में उभर रहा है और इंदौर में जीरो वेस्ट कॉलोनी, जीरो वेस्ट इवेंट, जीरो वेस्ट मार्केट, जीरो वेस्ट बार्ड विकसित किए जा रहे हैं। नगर के 21 बाजारों को जीरो वेस्ट मार्केट घोषित करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इंदौर को आज गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने का जो गोवर्धन प्लांट मिला है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। शहर के कचरे और पशुधन से गोवर्धन, फिर गोवर्धन से स्वच्छ इंजन, फिर स्वच्छ ईंधन से ऊर्जा धन,
ये श्रृंखला जीवन धन का निर्माण करती है और अब तो शहरों में ही नहीं बल्कि देश के गांवों में भी हजारों की संख्या में गोबरधन बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनसे हमारे पशुपालकों को गोबर से भी अतिरिक्त आय मिलनी शुरू हुई है। ये सारे प्रयास भारत के क्लाइमेट कमिटमेंट को भी पूरा करने में मदद करेंगे। गोबरधन बायो सीएनजी प्लांट से इंदौर को प्रतिदिन 17 से 18 हजार किलो बायो सीएनजी तो मिलेगी ही, इसके अलावा 100 टन जैविक खाद भी यहां से रोजाना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।